फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ कद्दू की बर्फी, यानी पम्पकिन की बर्फी। तो चलिए, तो फ्रेंड्स, पहले मैं इस कढ़ाई में मावा बनाऊंगी घर का कद्दू की बर्फी में डालने के लिए, 1 किलो दूध से, और लगभग 2 कप दूध लगाऊंगी। आगे मैं दिखाती चली जाऊंगी आपको जैसे जैसे मैं प्रोसेस करूंगी। पहले दूध लगा लेती हूँ इसमें, तो फुल क्रीम दूध है। अगर आप मावा घर में बना रहे हैं तो फुल क्रीम ही दूध लें। गैस ऑन कर दी है, अभी फुल गैस है। फुल गैस पे इसको उबाल ले लूंगी एक, उसके बाद खोया बनाने के लिए थोड़ा मीडियम कर दूंगी गैस को। फ्रेंड्स, अब बना रही हूँ कद्दू की बर्फी। तो पहले डाल लेते हैं थोड़ा सा घी। स्टार्ट होता है घी को फैला लेते हैं चारों तरफ, और अब मैं इसमें ये कद्दू पम्पकिन डाल लेती हूँ। इसे भून लेती हूँ। और फ्रेंड्स, ये है 1/2 केजी दूध, इसे मैं इसमें डाल लेती हूँ। अगर कद्दू 1/2 किलो है तो उसमें 250 ग्राम दूध डालें, और 1 किलो है तो उसमें डालें 1/2 किलो। ये मेरा कद्दू है 1 किलो, तो उसमें 1/2 केजी मैंने दूध डाला है, 1/2 किलो। अब इसमें इसको पकाती हूँ थोड़ी देर। थोड़ी देर इसको ढक के पका लेती हूँ, गल जाएगा। अब इसको मैं ढक देती हूँ करीब 4 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें 150 ग्राम चीनी डाल दी है, मैंने मतलब भूल गई दिखाना आपको। तो 1 किलो में 150 ग्राम चीनी डाली है, और आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं चीनी। जैसे आप मीठा खाते हैं उसके हिसाब से आप चीनी डालें। अभी पानी रिलीज कर दिया है इसने चीनी ने, तो इसको मैं इसमें सुखा लेती हूँ, पका लेती हूँ। और उधर हमारा बन रहा है खोवा मावा, क्योंकि अभी व्रत चल रहे हैं तो बाहर से खोया मैं नहीं डालूंगी उन चीज में, क्योंकि हम फास्ट में बाहर की चीज नहीं खाते, घर में ही बना रहे हैं। अभी भी थोड़ा इसमें जो दूध लगाया था और चीनी, उसका थोड़ा अभी गीलापन है इसमें, काफी हद तक इसको गला दिया है इसने दूध ने, और बस इसको सुखाना है। फिर इसमें मैं खोया डालूंगी, बस लगभग 5-7 मिनट लगेंगे। देखिए, अभी थोड़ा सा इसमें पानी है, थोड़ा सुखाना है। अब इसमें डाल लेंगे मैं खोया। देखिए, घर का बना खोया डाल रही हूँ मैं, घर में बनाया है। और अगर आप खोया नहीं बना पा रहे हैं, खोया नहीं डाल रहे हैं, तो आप मिल्क पाउडर डाल दें कोई भी कंपनी का,
खोया से बात होगी वही उससे होगी। अगर आपके पास मिल्क पाउडर भी नहीं है तो आप डाल रहे हैं डेसिकेटेड नारियल जो बाहर शॉप पर मिल जाता है या अपने घर में बना लें सूखा नारियल लाकर। इसको मुझे पूरा सुखाना है, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें। और फ्रेंड्स मैंने इसमें कोई कलर या केसर इस्तेमाल नहीं किया है, बस हरी इलायची का पाउडर डालूंगी क्योंकि नेचुरल कलर इसका जो आ रहा है वही मेरे लिए बहुत है, मतलब नेचुरल कलर पर ही रहने दूंगी, कोई मैंने कलर ऐड नहीं किया है, केसर भी नहीं डाला है क्योंकि अच्छा कलर आएगा इसका येलो येलो। अगर आप डालना चाहते हैं आपके पास नहीं है तो आप एक तंदूरी कलर आता है वो डाल सकते हैं इसमें, येलो कलर भी डाल सकते हैं और केसर है तो केसर डाल दें, केसर भी अच्छा फ्लेवर देता है, कलर भी अच्छा आ जाता है। अब यहाँ पर 8 से 9 हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है बनाकर, ये मिक्स कर लूंगी अभी, फिर बाद में मिक्स नहीं होगा। से बादाम डाल देती हूँ, बाकी ऊपर से गार्निशिंग करूंगी उसके लिए बचा लेती हूँ। ग्रीस कर लेती हूँ ट्रे को बर्फी जमाने के लिए कद्दू की, और आप चाहें तो थाली में प्लेट में किसी में भी आप जमा सकते हैं, बस ग्रीस करना जरूर चाहिए, ग्रीस कर लें, ग्रीस जरूरी होता है करना क्योंकि वो साइड साइड से नहीं तो लग जाती है, साइड से नीचे से ग्रीस हो गई। और तैयारी करते हैं बर्फी जमाने की, देखिए बिल्कुल पानी सूख गया है, पैन को छोड़ रहा है अभी, देखिए एक पूरा डोसा बन गया है ये, अब ये जमने के लिए परफेक्ट है। गैस को बंद कर रही हूँ फ्रेंड्स, अभी गरम है कढ़ाई तो तब तक चलाती रहूंगी इसको। और 1 से 2 घंटे के लिए इसको मैं सेट होने के लिए रख दूंगी, फिर कट करके दिखाऊंगी आपको। देखिए पूरा इकट्ठा हो रहा है ये, मैं ट्रे में ट्रांसफर कर लेती हूँ इसे। चाहे तो मोटी पतली आप जैसे भी पीस चाहते हैं आप वैसे आप सेट कर लें इसको, जमा लें से आपको पसंद है। सेट कर दिए देखिए, अब इसमें मैं बादाम से गार्निशिंग कर देती हूँ, आप आपको जो पसंद हो उससे आप गार्निशिंग कर दें, पिस्ता काजू या बादाम चिरौंजी या जो भी आपको पसंद हो, या फिर चांदी का बर्फ जो होता है उसे भी आप कर सकते हैं,
गार्निशिंग बोल तो ऊपर से लगा देंगे, बहुत अच्छा लगता है वो भी। इसको सेट करने के लिए थोड़ा स्पैचुला से मैं इसको सेट कर दूंगी तो बादाम को, ताकि इसमें सेट हो जाए बर्फी में। सब उसको सेट होने के लिए मैं रख देती हूँ 2 घंटे के लिए, फिर आपको मैं कट करके दिखाती हूँ। उससे पहले मैं इसमें कट लगा देती हूँ, कट लगाने बहुत जरूरी है। कट लगा दिए हैं और अब मैं इसको सेट हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक के लिए देखिए फ्रेंड्स, 2 घंटे हो गए हैं और बर्फी हो गई है सेट, कद्दू की बर्फी। और अब मैं इसको कट कर रही हूँ पीसेस, कट तो पहले ही लगा दिए थे मैंने। देखिए कितनी सॉफ्ट बर्फी है, कितनी मस्त बनी हुई है। देखिए एक एक पीस एकदम बढ़िया निकल रहा है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया टेक्सचर इसका, इसके और खाने में कितनी बढ़िया होगी। और फ्रेंड्स आप भी जरूर बनाना। अब मैं एक पीसेस निकाल लेती हूँ, फिर मैं सब करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स बर्फी को कट कर दिया है मैंने और सर्व कर दिया है, दिखा रही हूँ आपको, आप बताइए आपको ये कैसी लग रही है। ठीक फ्रेंड्स, कद्दू की बर्फी बनकर रेडी है, तो देखिए कैसी लग रही है आपको। और बहुत ही अच्छी बनी हुई है, बहुत ही मतलब 1.5 घंटे में जम गई है, बहुत अच्छी बनी हुई है, देखने में भी आपको अच्छी लग रही होगी। और फ्रेंड्स मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर करना फ्रेंड्स, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, आएगी जरूर पक्का मुझे पता है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। और देखिए फ्रेंड्स बर्फी कितनी बढ़िया जमी है, कितनी सॉफ्ट है, देखिए देखिए एकदम बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छी है, खाने में बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स आप भी रेसिपी को ट्राई जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।